नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार के सबसे बड़े YouTube न्यूज चैनल livecities.in में। मैं हूं सुजीत सागर। अंततः पटना को मेट्रो की सौगात मिल चुकी है। आज बेगूसराय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना मेट्रो का शिलान्यास किया। आज पटना जू के बाहर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, सुरेश शर्मा और भी गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। इस शिलान्यास के बाद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह ने क्या कुछ कहा है, आपको हम सुना देते हैं। बधाई देना चाहूँगा, बहुत खुशी की बात है। इधर आइए। आज शिलान्यास हो गया, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत इसमें इंटरेस्ट लिया, उन्होंने बहुत कुछ भी किया। मुझे बहुत खुशी है कि आज प्रधानमंत्री जी द्वारा ये शिलान्यास हो गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पर काम जो है बहुत शीघ्र आरंभ हो जाएगा और जो 5 साल में इसको होगा, इसमें नागरिकों को बहुत सुविधा मिलेगी। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि ये मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है 2002 में जब माननीय वाजपेयी जी की सरकार थी तब शुरू किया गया था। इस समय पूरे देश में हमारे पास करीब 585 किलोमीटर मेट्रो ऑपरेशनल है ऑलरेडी। 600 किलोमीटर पे काम हो रहा है, 600 से ज़्यादा अधिक किलोमीटर, और 1000 किलोमीटर के DPR है। तो ये बहुत एक मैं समझता हूँ, मेरी तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी ये स्टेप है, क्योंकि आप देखेंगे मेट्रो से अर्बन मोबिलिटी आने से शहर की तरक्की होती है। और हम इस समय जो हमारी शहरी जनसंख्या है कोई 30-35% के करीब है। 1947 में जब हम आज़ाद देश हुए तो 17% थी। 2030 तक ये बढ़ के करीब 60 करोड़ लोग शहरों में रहेंगे। तो हमें उसके लिए प्लानिंग करनी है। तो ये जो मेट्रो है 30 किलोमीटर का, ये बहुत इससे पटना को लाभ होगा। और मैं नीतीश कुमार जी को, उनके द्वारा आपके सब नागरिकों को बधाई देना। सर, कोई टाइम फ्रेम भी? 5 साल का है, 5 साल में बनेगा। और जब ये शुरुआत होगी, इसमें कोई राइडरशिप कोई 14 लाख होगी दिन में, और ये बढ़ती बढ़ती जाएगी। और देखिए, ये तो शुरुआत है। काम कब से शुरू हो जाएगा? काम तो मैं कह रहा हूँ एकदम शुरू होगा, और मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि अब सारे अप्रूवल आ गए हैं। इसमें 20% जो कंट्रीब्यूशन है केंद्रीय सरकार की होगी, 20% बिहार के सरकार की, और 60% आएगा एक्सटर्नल फंडिंग से। धन्यवाद। तो आपने सुना कि हरदीप सिंह पुरी बता रहे थे कि किस तरह से 5 सालों में मेट्रो का काम पूरा किया जाएगा। 20% केंद्र सरकार की तरफ से राशि दी जाएगी और 20% राज्य सरकार की तरफ से राशि दी जाएगी। बची हुई 60% की जो राशि है वो लोन ली जाएगी। फिलहाल 5 सालों का ये जो पूरा समय रखा गया, निर्धारित किया गया है कि 5 सालों में पटना मेट्रो बनकर तैयार हो जाएगी। देश दुनिया बिहार की सभी लेटेस्ट खबर के लिए आप livecities.in के साथ बने रहें। अपने सहयोगी विकास कुमार के साथ मैं सुजीत सागर, लाइव सिटीज़ पटना।